ए रुको रुको, जरा इतनी क्या जल्दी है? जरा 2 मिनट का या 3 मिनट का मुश्किल से मेरा वीडियो है, देख जाओ। इतनी गर्मियों में स्किन रूटीन के लिए, स्किन केयर के लिए बहुत अच्छे टिप्स बताए हैं मैंने, तो प्लीज बैठ के शांति से, आराम से एंड तक मेरा वीडियो देखो और लाइक सब्सक्राइब करके ही जाना। और प्लीज स्किप मत करो, सच में काम की चीजें हैं, देख कर ही जाना, ठीक है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करेंगे कुछ हेल्दी स्किन टिप्स के बारे में। देखिए, अभी मौसम जो है गर्मी और बारिश का मिक्सचर, यानी कि बारिश ज़्यादा होने की वजह से ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से गर्मी भी ज़्यादा बढ़ गई है। ह्यूमिडिटी की वजह से हमारे फेस पे, स्पेशली हमारे फेशियल स्किन पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम कि हमारे फेशियल स्किन जो है वो डल होने लगती है। नंबर 2, इस मौसम में ह्यूमिडिटी की वजह से पोर्स जो है वो हमारे ब्लॉक होने लगते हैं और एक्ने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 3, इस सीज़न में मैंगो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लोगों को बहुत पसंद आते हैं और वो बहुत सारे खाते रहते हैं, और बहुत सारे मैंगो खाने की वजह से पूरे फेस पे या स्किन पे या बैक में या फ्रंट में बहुत सारी जगह पे घमोरी जैसे छोटे 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 रैशेज हो जाते हैं। उसके अलावा ह्यूमिडिटी की वजह से पानी की प्यास कम लगती है, थर्स्ट कम होने की वजह से हम इनटेक कम करते हैं तो स्किन की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली अपीयर होने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे इतने सारे इश्यूज आएंगे तो हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? तो आपके घर में आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप इन सारी प्रॉब्लम से डिशम डिशम कर सकते हैं। करना क्या है आपने, सबसे पहले आप कुछ हेल्दी हैबिट्स बनाएं। नंबर 1, आप रात को सोने से पहले अगर आपने कोई मेकअप किया है तब भी और नहीं किया है तब भी, हमेशा क्लेंजिंग मिल्क से या क्लेंजर से या कोकोनट ऑयल से अपना फेस अच्छे से क्लीन करेंगे, देन आप फेस वॉश से उसको क्लीन करेंगे और पानी से मुंह धो लेंगे, फिर आप बेड पर जाएंगे सोने के। दूसरा टिप है, दूसरी हैबिट है, आप किसी भी रेटिनोल क्रीम को इस्तेमाल ना करने की बजाय आप हमेशा कोशिश करें कोई भी विटामिन सी की क्रीम या विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप सिर्फ विटामिन सी का ही इस्तेमाल करें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है और जो घर में बहुत ईजीली अवेलेबल होती है, आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो है आइस। आइसिंग करते हुए आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, आपने देखा होगा सुबह सुबह लोग पूरा बाउल भर के आइस का उसमें मुंह डिप कर रहे होते हैं अपना मेकअप को स्टे करने के लिए एंड ब्ला ब्ला बहुत सारे रीजंस को बताते हैं। तो आइसिंग को सिर्फ मेकअप स्टे के लिए ही यूज़ नहीं करना है, आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए भी। अगर आप सुबह उठने के बाद एक आइस लें जिसका बेस जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, खुरदरा नहीं होना चाहिए, वरना वो आपके स्किन में रैशेस क्रिएट कर सकता है। आपने बर्फ लेना है और उसको धीरे धीरे अपने फेस पे आपने उससे रगड़ना है फेस पे, यानी कि धीरे धीरे बहुत ही स्लोली। उससे फेस पर लगाने से क्या होगा, आपके जो ओपन पोर्स, आपके जो पोर्स हैं वो ओपन रहेंगे, ब्लॉक नहीं होंगे। दूसरा, अगर आपके आईज के नीचे पफीनेस आती है, आपको आई बैग्स की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। 3rd, अगर आपकी स्किन में बर्निंग जैसी सेंसेशन रहती है दिन में, आपका स्किन जलता रहता है, लगता है कि कुछ आग निकल रही है, इस तरह की अगर आपको फीलिंग आती है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि घमोरिया जैसे कुछ रैशेस फेस पर आ गए हैं या बहुत मैंगो खाने की वजह से एक्ने बहुत आ रहे हैं, तो एक्ने से सेव करने के लिए भी आप आइसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा आइसिंग उतनी ही करें जितनी आपकी स्किन आपको टॉलरेट कर सकती है। अगर टॉलरेंस पावर से आप ज़्यादा करेंगे ना तो वो आपकी स्किन में साइड इफेक्ट क्रिएट करने लगेगा, आपको रैशेस देने लगेगा, इसलिए जितना स्किन टॉलरेट कर सकती है बस उतनी ही आइसिंग करनी है डेली सुबह सुबह, उसको करने से आपकी स्किन। नंबर 2 है, आइसिंग के अलावा आप एक और हेल्दी हैबिट अपनाएंगे, वो है आप जब भी बेड पर जाएंगे हमेशा आपका फेस क्लीन होना चाहिए। आपके मेकअप को आप क्लिनजिंग मिल्क से, क्लिनजर से, फेस वॉश से, ऑयल से, टिश्यू पेपर से, जिससे चाहे मर्जी हटाएं, लेकिन उसके बाद पानी डालें फेस पर और फिर सोएं। तीसरी जो हैबिट है वो है आप हेल्दी खाएंगे। आप हर मौसम के फ्रूट्स खाएंगे और फ्रूट्स का इनटेक और सलाद का इनटेक आप अच्छा करेंगे।
चौथा जो मोस्ट मोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है वो है आपकी मेंटल हेल्थ। बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो उससे आपको एंजाइटी तो आएगी ही, उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, तो आपको एक्ने आने के उतने ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं, आपको एक्ने बहुत ज़्यादा पॉपअप होने लगेंगे। तो इसीलिए मेंटल स्ट्रेस को कम रखें। और कम कैसे रखना है, उसके लिए कम से कम 10 मिनट्स अपने आप को दें। 10 मिनट सुबह मेडिटेशन करें और कुछ ना करें, अपने आप में ध्यान लगाएं, प्रभु में ध्यान लगाएं, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसमें ध्यान लगाएं, लेकिन दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें। तो अगर आप स्ट्रेस को हैंडल कर पाते हैं तो इन सारे टिप्स के साथ आप अपनी स्किन को इतनी भरी गर्मी में भी हेल्दी और अच्छा रख सकते हैं। सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल हमेशा करें। 365 दिन, साल के 365 दिन आपको सनस्क्रीन लगानी है विदाउट एनी स्किप, उसके लिए आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन एकदम हेल्दी और ब्यूटीफुल रहेगी। अपना ध्यान रखें, और कोई भी टिप हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।